हिसार में सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिसार से मातृश्याम रूट पर बस न होने के कारण करीब 200 छात्रों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। आपको बता दें कि छात्रों ने बस की समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि हिसार के रूटों पर चलने वाली गुलाबी बसें हिसार डिपो की शान बढ़ा रही है। कोरोना के समय से वहीं पर खड़े हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। तो वहीं रतिया में भी स्कूल के पास लगे गंदगी के अंबार को लेकर छात्रों ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इसका जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मंदिर के वाली गली है, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। जब हम रास्ते में आते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है आने में भी, और यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है, इसे गंदगी को उठाया जाए। मेरा नाम पवनदीप है, और जब भी हम यहाँ पे स्कूल में आते हैं तो रास्ते में इतनी गंदगी होती है ना, हमें आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, इतनी बदबू आती है। और वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना, वो जो पशु होते हैं, वो ऐसे ही उस गंद को खिलाते रहते हैं, और जैसे हम वहाँ से आते क्रॉस करते हैं तो ऐसा डर रहता है कि वो हमें कहीं चोट ही ना पहुँचा दे। बहुत ज्यादा गंदगी होती है जी, बहुत समय से है जी। यहाँ पर तीन मंदिर हैं जी। एक तो अपना माता शीतला का मंदिर है जी, दूसरा विद्या का मंदिर है जी, तीसरा श्री गुरुद्वारा साहब जा की जगह है यहाँ पर जी, जहाँ पर लोग मत्था टेकने आते हैं सुबह, परंतु जहाँ पर उनको गंदगी मत्थे लगती है जी। जब हमारे यहाँ कावड़ लेने के लिए गए थे जी, तब बताया था कि वहाँ की सरकार ने उन पर पुष्प वर्षा की गई, परंतु जब जहाँ लोग सर्दी नवरात्रों में माता रानी के पवित्र दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ पर लोगों को बड़ा बुरा हाल होता है जी। पहले गंदगी की दुर्गंध जहाँ आती है, और जहाँ पर पशु भी रहते हैं जी,